हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि अच्छे होंगे। और ये राधाष्टमी की वीडियो हमने नहीं डाली थी, तो उसके लिए यहाँ पे हम पंडाल बना रहे हैं और धीरे धीरे पंडाल बन ही रहा है। तो तैयारी थोड़ा अच्छे से चाहते थे, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ी सी मेरी सासू माता जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से ये बहुत आराम से और बहुत हल्के उसमें हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो पंडाल है वो भी सज गया है, और 12 बजे के बाद ही इनका अभिषेक करना था, तो अभिषेक भी हो गया है और इनका श्रृंगार भी हो गया है। तो लाडली अभी कैसे दिख रही हैं आप सभी बताइएगा। तो और ये मैंने इनके लिए नई ड्रेस बनवाई है, बनवाई क्या है, खुद से ही हमने बनाई है। तो ये ड्रेस इनकी कैसी लग रही है आप सभी हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इनका श्रृंगार कैसे हुआ है, कैसे दिख रही हैं। तो हमारे जो त्यौहार होते हैं तो उन्हें हमें चाहे हम थोड़ा ही मनाएं, लेकिन मनानी चाहिए जिससे ये लगे कि हाँ हमारे यहाँ कुछ है। तो इनकी आरती पूजा हो गई है, तो आगे अब हम इनके लिए भोग तैयार करेंगे। और भोग तो हमें सुबह ही तैयार करना था, लेकिन थोड़ा सा काम इधर उधर हो गया, तो हम अब इनके लिए भोग तैयार करेंगे। और थोड़ा सिंपल सा ही हमने किया है, क्योंकि थोड़ी सी जो तबीयत इनकी ख़राब है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, तो हमने बहुत कुछ नहीं बनाया है अभी। तो यहाँ पे हमने पूड़ी कचौड़ी बनाई है, और दही वाली जो अरवी की सब्जी होती है उसको हमने बनाया है, और खीर बनाई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बना के हमने इनको भोग लगाया है। और सुबह हमने मेवे का और फल फ्रूट का भोग लगा दिया था। सुबह एक बार इनको नहला धुला के पूजा करके हमने एक भोग लगाया था, और ये अब दोपहर का भोग तैयार हो रहा है। तो इसको बना के हम लगा देंगे। और आप सभी कैसे हैं तो हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो ये हमारा भोग बन गया है, और हम थाली लगाएंगे अपने लाडों के लिए और उनको खिलाएंगे, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और हमें उनके लिए कुछ गिफ्ट भी मंगवानी थी। तो अभी हमने गिफ्ट नहीं मंगाया है, और जब हम गिफ्ट मंगाएंगे उनके लिए तो आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो ये देखिए कि उनका भोग हमने लगवा दिया है, मेरी बेटी है इसी ने लगाया है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।